नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय वास्तुशास्त्र और भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे घर में, हमारे रसोई घर में ही ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके उपयोग से हम अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान दोनों ही इस चीज़ से भरे हुए हैं कि आपके घर में उपस्थित छोटी छोटी वस्तुएं आपकी तमाम परेशानियों को समाप्त कर सकती हैं अथवा आपको सफलता दिलाने में अपना सहयोग दे सकती हैं, और उन वस्तुओं के उपयोग से आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, सुख सुविधा पूर्वक अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। ऐसा ही एक उपाय है दोस्तों, हमारी रसोई में उपस्थित काली मिर्च का। दोस्तों, रसोई में उपस्थित काली मिर्च ना सिर्फ हमारे घर के, हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाती है, बल्कि वह हमारी जीवन में होने वाली तरक्की में अपना सहयोग देती है, हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने में हमारी सहायता करती है। कौन सा है वह उपाय? दोस्तों, वह उपाय है दीपक में काली मिर्च जलाने का। दोस्तों, अगर आप दीपक में काली मिर्च रखकर जलाते हैं तो उसके अनेक फायदे होते हैं, जिसमें से कुछ फायदों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। नंबर एक, धन की नहीं होगी कमी। दोस्तों, अगर आपके घर में धन की कमी चल रही है, आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, आप धन की कमी की वजह से परेशान हैं और आपके अनेक कार्य धन की कमी के कारण अटके हुए हैं और आप परेशान हैं, आपके घर में धन आगमन नहीं हो रहा है, तब आप काली मिर्च के 5 दाने लीजिए और इसे दीपक में रखकर अपने घर में नित्य जलाइए। ऐसा करने से आपके घर में चल रही आर्थिक समस्याएँ समाप्त होने लगेंगी, आपके घर में जो धन का अभाव चल रहा था वह समाप्त होने लगेगा और धन आगमन के नए नए स्रोत खुलने लगेंगे, जिससे आपके घर में धन आगमन होने लगेगा और फिर कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी, आपका घर धन धान्य से भरपूर रहेगा। नंबर दो, बुरी नज़र से बचाए। दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को अथवा बच्चों को बड़ी शीघ्रता से बुरी नज़र लगती है और बुरी नज़र के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, यह आपके कार्यों में बाधा बनती है, आपको बीमार करती है, आपको छिड़छिड़ा करती है और अनेक प्रकार के कष्ट आपको बुरी नज़र लगने से मिलते हैं। अगर बार बार आपके घर में किसी को बुरी नज़र लगती है तो आप उस व्यक्ति पर काली मिर्च के 5 दाने 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, उसके सर के ऊपर से आप उन्हें 7 बार घुमाइए और घुमाने के बाद उसे किसी दीपक में रखकर आप जला दीजिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को कभी भी बुरी नज़र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कभी भी बुरी नज़र उसे परेशान नहीं कर पाएगी, कभी भी बुरी नज़र के वजह से उस व्यक्ति के कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों, बुरी नज़र जिस व्यक्ति को लगती है उस व्यक्ति पर अगर यह उपाय किया जाता है तो शीघ्रता से उसकी बुरी नज़र दूर हट जाती है और उस व्यक्ति से कोसों दूर रहती है। नंबर तीन, मिलेगी सफलता। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं और आप खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब आप अपनी युक्तियां लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाइए और उस दीपक में 2 काली मिर्च डाल दीजिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ यह दीपक जब काली मिर्च के साथ जलता है तो वह आपके किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप प्रयत्न करते हैं उस क्षेत्र में सफलता को सुनिश्चित करता है और आप शीघ्रता से उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अगर किसी विशेष कार्य को करते हैं जिसमें आप सफलता चाहते हैं और बहुत दिनों से आप उस कार्य को कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, वह कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए, आपको यह काली मिर्च और दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए, इससे आपको अपने उस कार्य में सफलता मिलेगी। नंबर चार, शनि का कुप्रभाव होगा कब? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति पर शनि का कुप्रभाव होता है उस व्यक्ति के जीवन में जीते जी नरक भोगने के समान होता है। दोस्तों, उस व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, घर में कलेश, मन मुटाव,
आर्थिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, बीमारी, रोग इत्यादि अनेक प्रकार की समस्याएं उस व्यक्ति को घेरे ही रहती हैं। आए दिन एक समस्या समाप्त नहीं होती, तब तक दूसरी समस्या मुंह खोलकर खड़ी हो जाती है सामने। दोस्तों, अगर आप भी शनि के कुप्रभाव से पीड़ित हैं तो शनि के कुप्रभाव को शांत करने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको काली मिर्च के 5 दाने एक दीपक में रखकर आप नित्य उसे अपने घर में जलाइए। इससे आपके घर में शनि का कुप्रभाव समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। वे आपको सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे, सकारात्मक फल देने लगेंगे और शनि के कोप के कारण आपका जो समस्याएँ चल रही थी वे समस्याएँ भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। 5, बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी कार्य को करते हैं और वह कार्य होते होते रह जाता है, होते होते बिगड़ जाता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वह कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में जाकर वह कार्य बिगड़ जाता है और आप यह चाहते हुए भी उसे ठीक नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आपको काली मिर्च और दीपक का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे। आपका कार्य जो बनते बनते बिगड़ जाता था वह भी अब सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप अपने घर में काली मिर्च डालकर दीपक जलाते हैं तो इससे आपके बिगड़े कार्य भी बनने लगेंगे। 6, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और वह आपके कार्यों में विघ्न डाल रही हैं, आप लोगों को परेशान कर रही हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपका घर परेशान है, आप लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, समस्याओं में घिरते जा रहे हैं, तब आपको काली मिर्च डालकर दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से यह दीपक उन नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से बाहर कर देगा और सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह आपके घर में होने लगेगा, जिससे आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। 7, नौकरी में सफलता। दोस्तों, अगर आप नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए आपको कोई सफलता नहीं मिली, आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और कष्ट तो इस समय इतना है कि आपको लगता है कि नौकरी ही ना चली जाए। अगर दोस्तों आप भी नौकरी में परेशान हैं, तब आपको यह काली मिर्च और दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। इसे करने से आपकी नौकरी में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आपको आपकी नौकरी में सफलता मिलने लगेगी, जिससे आप प्रमोशन भी पाएंगे और आपको अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, यह थे वे 7 उपाय जिनके लिए आपको काली मिर्च और दीपक का उपाय करना चाहिए, जिनसे आपको यह 7 प्रकार के लाभ होंगे। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।